हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का अनअकैडमी की केमिस्ट्री की क्लास में। मेरा नाम है स्वाति एंड अ वेरी वेरी गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून एंड गुड इवनिंग, डिपेंडिंग अपॉन आप कब ये वीडियो देख रहे हैं। सो हमारे आज की इस क्लास में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स के एनसीईआरटी एग्जाम्पलर क्वेश्चंस, ठीक है। एंड आई गेट इट कि मैम एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के क्वेश्चंस हम कैसे जल्दी जल्दी डिस्कस करेंगे, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर को बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। तो डू नॉट वरी, आज की जो ये क्लास है मैं आपकी ज़्यादा लंबी नहीं करूँगी, ये आज पार्ट वन है। जो पार्ट टू होगा दैट विल बी अ वेरी लेंदी क्लास, बट आज की ये क्लास सिर्फ 30 मिनट्स की ही होगी। सिंस इट इज़ अ रिकॉर्डेड क्लास, इट इज़ अ प्रीमियर क्लास, तो आप लोगों के जो डाउट्स वगैरह होंगे वो भी आएंगे। सो डू नॉट वरी, जो नेक्स्ट क्लास होगी दैट विल बी अ लेंदी वन, बट दिस वन विल बी जस्ट हाफ एन आवर के अप्रोक्स होगी, ठीक है। ज्यादा परेशान नहीं करूंगी मैं आपको। ओके, सो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं अपने आज की क्लास। सभी के सभी प्लीज अपनी एनसीईआरटी खोल ले, एग्जाम्पलर एनसीईआरटी एग्जाम्पलर खोल ले, और उसमें कोई भी ऐसा टॉपिक है जो आपको समझ में नहीं आ रहा है अपना स्टार मार्क करके लिख लेना। जो भी हमारी नेक्स्ट क्लास होगी उसमें मैं पूरी कोशिश करूंगी कि आपका जो वो डाउट है वो जल्द से जल्द क्लियर हो जाए, ठीक है। चले आगे बिना किसी दिक्कत के, बिना किसी देरी के। ओके, सो मैं आप लोगों की बुक की फोटो लगा देती हूँ यहाँ पे। मेरे पास पीडीएफ है, अगर आपके पास बुक नहीं है तो आप भी पीडीएफ खोल सकते हैं, इट्स ओके, पीडीएफ चलेगा, अपने को पीडीएफ बढ़िया तरीके से चलेगा। ओके चलिए, सो मैं दिख रही हूँ अच्छे से, बढ़िया से एकदम, थोड़ा और ठीक से बैठ जाते हैं, बस एकदम चकाचक दिख रही हूँ आप। ओके, सबसे पहला क्वेश्चन क्या है कि कार्बन एग्जिस्ट इन द एटमोसफेयर इन द फॉर्म ऑफ, कि कार्बन एटमोसफेयर में किस चीज के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। केवल कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड ट्रेसेस में एंड कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड ओनली या फिर कोल। अब हम बात कर रहे हैं एटमोसफेयर के मतलब पर्यावरण में। अब पर्यावरण में अगर आपका कार्बन मोनोऑक्साइड प्रेजेंट होगा तो हमें सांस लेने में कितनी ज्यादा दिक्कत होगी। जब आग लगती है तो लोग सफोकेशन से क्यों मर जाते हैं, क्योंकि इनकम्प्लीट कम्बशन होता है। आग जब लगेगी ऐसा तो नहीं है हमेशा कंप्लीट कम्बशन होता जाएगा, इनकम्प्लीट कम्बशन होगी। इनकम्प्लीट कम्बशन होगा तो कार्बन मोनोऑक्साइड बनेगा, कार्बन मोनोऑक्साइड बनेगा तो उसकी वजह से हमें सफोकेशन होने लग जाएगी, ठीक है। सो कार्बन मोनोऑक्साइड इन ट्रेसेस नहीं होगा, सो द करेक्ट आंसर इज गोइंग टू बी ऑप्शन सी, कार्बन डाइऑक्साइड ओनली। सो इस चीज को याद रख लीजिएगा, ये इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं हम, इसलिए हम इसको याद रखेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर यूजुअली करेक्ट फॉर कार्बन कंपाउंड्स। दीज आर गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, आर पुअर कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, हैव स्ट्रॉन्ग फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन देयर मॉलिक्यूल्स, डो नॉट हैव स्ट्रॉन्ग फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन देयर मॉलिक्यूल्स। इनमें से कौन सी चीज करेक्ट होती है, ये जो कार्बन कंपाउंड्स होते हैं क्या वो गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं। हमने देखा है कि मैम ग्रेफाइट इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, सो कैन आई कॉल कार्बन कंपाउंड्स अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। अच्छा, जो ये ऑप्शन थ्री है ये तो एब्सोल्युटली रॉन्ग है, हैव स्ट्रॉन्ग फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन देयर मॉलिक्यूल्स, ये तो गलत है। जो मेजोरिटी ऑफ कार्बन कंपाउंड्स है दे डू नॉट हैव स्ट्रॉन्ग फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन, तो फोर्थ वाला करेक्ट होगा। अब फोर्थ वाले में सी और डी में से एक चीज करेक्ट होगी, तो आपके हिसाब से क्या होगा, इज इट गोइंग टू बी अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी और इज इट गोइंग टू बी अ बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। शुड आई कंसिडर हमारा, मैं डिस्कस कर रही हूँ अभी आपसे, तो मैं पावर पॉइंट लगा देती हूँ, कहाँ गया पावर पॉइंट, हाँ। सो शुड आई कंसिडर मेरा ग्रेफाइट और शुड आई नॉट कंसिडर मेरा ग्रेफाइट, क्या लगता है आपको कि मैम ग्रेफाइट तो है इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, तो मैम वी शुड कंसिडर ग्रेफाइट, या मैम सिर्फ ग्रेफाइट ही तो है गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, सभी थोड़ी ना है गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। आपके हिसाब से हमें क्या करना चाहिए, थोड़ा सोचिए। अब इसी तरीके के जो डाउट्स है ना ये आप लोगों को आपके एग्जाम्स में देखेंगे, यू आर गोइंग टू फेस दीज थिंग्स इन योर एग्जाम्स, सो यू शुड बी वेरी 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 क्लियर, वेरी क्लियर, ठीक है। आया समझ में सभी को क्या करना है इसमें। मैं वापस से क्वेश्चन पढ़ती हूँ कि दे आर पुअर कंडक्टर्स होंगे या दे आर मतलब गुड कंडक्टर्स होंगे। कैन आई टेक ग्रेफाइट एज एन एग्जाम्पल और आई कैन नॉट टेक ग्रेफाइट एज एन एग्जाम्पल, आई कैन नॉट, फिर
ग्रेफाइट ही तो एक ऐसा कंपाउंड है विच इज अ गुड कंडक्टर, बाकी सारे थोड़ी ना होते हैं। सो आंसर क्या होगा कि जो हमारे कार्बन कंपाउंड्स होते हैं दे आर पुअर कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड दे डू नॉट हैव स्ट्रॉन्ग फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन। फिर इस हिसाब से तो मुझे डायमंड का भी एक्सेप्शन लेके चलना चाहिए कि भाई डायमंड तो बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, डायमंड की तो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग फोर्सेस है, बट डायमंड डू नॉट हैव, मतलब डायमंड इज जस्ट दी ओनली एग्जाम्पल ना, बाकी कार्बन कंपाउंड्स के पास थोड़ी ना स्ट्रॉन्ग बॉन्ड्स होते हैं। आई बात समझ में? तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी आपका, अंडरस्टूड। चलिए, अ मॉलिक्यूल ऑफ अमोनिया, अमोनिया इज NH3, तो अमोनिया का जो स्ट्रक्चर होता है वो हम किस तरीके से ड्रॉ करते हैं, एन, चल मैं ड्रॉ करके दिखाती हूँ, हवा में नहीं करते हैं। यू विल बी लाइक, पहले आप हमें खुद सिखाते हैं हवा में नहीं ड्रॉ करना चाहिए, फिर आप खुद हमें हवा में ड्रॉ करके दिखा रहे हैं, ठीक है। अभी आज हम टॉप 10 क्वेश्चन ही करेंगे, सो डू नॉट वरी, सिंस दिस इज योर बूस्टर सीरीज का पार्ट है, सो विल बी डूइंग टॉप 10 क्वेश्चन। जितनी जल्दी आप मुझसे टॉप 10 क्वेश्चन कराएंगे या जितनी जल्दी मुझे लगेगा कि मेरे बच्चों को ये टॉप 10 क्वेश्चन समझ में आ गए हैं, मैं आगे बढ़ जाऊंगी, ठीक है जी। चलिए, अब एक बारी मैं पेन लेके यहाँ पर अमोनिया ड्रॉ करती हूँ। अमोनिया का स्ट्रक्चर कैसे होता है बेटा, एन है, एच एच एच, NH3, और एन के ऊपर आ गया एक लोन पेयर, तो इसमें कितने कोवेलेंट बॉन्ड है, 1 2 3, सो इट हैज 3 कोवेलेंट बॉन्ड्स। अब देखते हैं ऑप्शंस क्या थे हमारे, नाउ लेट्स गो एंड लुक एट आर ऑप्शंस, ठीक है। चलिए, ओनली सिंगल बॉन्ड्स, ओनली डबल बॉन्ड्स, ओनली ट्रिपल बॉन्ड्स, 2 सिंगल एंड 1 डबल बॉन्ड, आपके हिसाब से क्या करेक्ट आंसर होगा, व्हाट डू यू थिंक इज गोइंग टू बी दी करेक्ट आंसर, केवल सिंगल बॉन्ड्स प्रेजेंट है, केवल डबल बॉन्ड्स प्रेजेंट है, या फिर क्या केवल ट्रिपल बॉन्ड्स प्रेजेंट है, क्या चल रहा है यहाँ पे। अ सिंगल, मतलब अभी देखा ना जस्ट हमने एच 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 एंड देन फिर प्रेजेंट होगा हमारा एक लोन पेयर, सो सिंगल 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 एंड देन लोन पेयर वुड बी प्रेजेंट, सो ओनली सिंगल बॉन्ड्स मौजूद होंगे आपके, ठीक है। चलिए, तो फिर सो दिस इज ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर हो गया। बहुत इजी इजी क्वेश्चंस है, इजी इजी क्वेश्चंस है। बकमिंस्टर फुलरीन इज एन एलोट्रॉपिक फॉर्म ऑफ, जो बकमिंस्टर फुलरीन है किसका एलोट्रॉपिक फॉर्म है, फॉस्फोरस का होगा ना, अभी तक यही तो पढ़ते आ रहे हैं हम कि फॉस्फोरस का एलोट्रॉपिक फॉर्म होता है या किसी और चीज का एलोट्रॉपिक फॉर्म होता है। मैम बकमिंस्टर फुलरीन होता है हमारे कार्बन का एलोट्रॉपिक फॉर्म, तो कार्बन हो गया करेक्ट आंसर। अब ये आया है सबसे बढ़िया सवाल, विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट स्ट्रक्चरल आइसोमर्स ऑफ ब्यूटेन, इनमें से कौन सा करेक्ट स्ट्रक्चरल आइसोमर है। तो उसके लिए सबसे पहले अपने को ब्यूटेन ड्रॉ करना पड़ेगा, फिर उसके बाद हमें बॉन्ड्स की छेड़ा छेड़ी करानी होगी, हमें बॉन्ड्स की शिफ्टिंग करानी होगी, तो वही करा देते, कौन रोक रहा है हमें कराने से, है भाई कोई रोक रहा है, कोई बोल रहा है मत कराओ। सबसे पहले हम ड्रॉ करेंगे बेटा ब्यूटेन, ब्यूट माने 4 कार्बन, 1 2 3 4, CH3, एच एच H H एंड CH3, सो दिस इज माई ब्यूटेन, दिस इज माई एन ब्यूटेन, नॉर्मल ब्यूटेन कहते हैं इसको हम, एन ब्यूटेन, ठीक है। अब मैं क्या करूं, जैसे आई नेम दी ब्यूटेन, एक बारी मैं नेम कर देती हूँ, दिस इज ब्यूटेन नंबर 1, दिस इज ब्यूटेन नंबर 2, दिस इज ब्यूटेन नंबर 3 एंड दिस इज ब्यूटेन, दिस इज कार्बन, सॉरी कार्बन नंबर 1, कार्बन नंबर 2, कार्बन नंबर 3, कार्बन नंबर 4। अब मैं कार्बन नंबर 4 को कार्बन नंबर 2 के ऊपर रख दूं तो क्या होगा, क्या होगा देखते हैं, लेट्स सी क्या होगा। ऊपर ड्रॉ करती हूँ, 1 2 3, ठीक है। एच एच एच, एक बॉन्ड इधर है, एच एच एच। अब मैं ग्रीन कलर से शो करती हूँ उसको, ठीक है। पेन भाई आजो, आई शो इट विद ग्रीन कलर। मैंने इस तरीके से CH3 बना दिया यहाँ पे, ये वाला जो CH3 था उसको उठा के मैंने मेरे सेकेंड वाले कार्बन पे रख दिया, तो फॉर्मूले सेम है दोनों के, इसका भी फॉर्मूला C4H10 है
इसका भी फॉर्मूला C4H10 है। फर्क क्या है दोनों में, बस स्ट्रक्चर डिफरेंट है। इस चीज को उठा के मैंने यहां पर रख दिया है, तो ये एक अलग से ग्रुप ऊपर की तरफ आ गया है, इसको हम कह देंगे आइसोब्यूटेन। सो एक जब उठा के ऊपर रख दिया जाता है, दैट इज आइसो, सो दिस इज आइसो ब्यूटेन। तो ये हो गए हमारे दो, इससे ज्यादा नहीं बनेंगे, इससे ज्यादा इसके आइसोमर्स नहीं बनेंगे, वरना काम खराब हो जाएगा। जल्दी से देखते हैं, फटाफट से देखते हैं, ये हमारा नॉर्मल ब्यूटेन है, ठीक है। उसके बाद इन्होंने क्या किया है, इन तीनों कार्बन को जोड़ दिया है। क्यों जोड़ा इन तीनों कार्बन को, क्या तुक था इन तीनों कार्बन को जोड़ने का, कोई पॉइंट ही नहीं है, तो थर्ड वाला तो हो ही नहीं सकता है, ठीक है। कार्बन को जोड़ने का कोई सेंस ही नहीं था, जरूरत ही नहीं थी जोड़ने की। अब इस वाले में क्या है, 1 2 3, ये तीनों कार्बन तो स्ट्रेट हैं, ये एक जो दूसरा वाला कार्बन है ये हमने सेकंड वाले के लगा दिया है, तो फर्स्ट एंड सेकंड वुड बी द करेक्ट आंसर, यानी कि ऑप्शन सी होगा हमारा करेक्ट आंसर। क्लियर है सबको, क्लियर है, वेरी गुड। अब हम बात करते हैं इस रिएक्शन की, इस रिएक्शन में क्या हो रहा है, CH3 CH2 OH के ऊपर मैं डाल रही हूँ एल्कलाइन KMnO4 प्लस हीट। अब जब मैं आपको ऑक्सीडेशन पढ़ा रही थी, तो उसमें हमने पढ़ा था ना कि एल्कलाइन KMnO4 क्या होता है, एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। ओह, आंसर ही बता दिया मैंने आपको, एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। सो व्हाट इज हैपनिंग, जो KMnO4 है वो अल्कोहल को ऑक्सीडाइज कर रहा है टू एन एसिड। सो इन द अबव गिवन रिएक्शन एल्कलाइन KMnO4 एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह एक्ट कर रहा है, नॉट एज अ रिड्यूसिंग एजेंट। एल्कोहल के पास एक ओ था, यहाँ पर दो ओ आ गए, इसलिए मैं इसको एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कह रही हूँ। ऑयल्स ऑन ट्रीटिंग विद हाइड्रोजन ऑयल्स, जो हमारे वेजिटेबल ऑयल है, सफोला वाले जो ऑयल है, जब मैं उन्हें हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करती हूँ इन दी प्रेजेंस ऑफ पैलेडियम और निकल कैटलिस्ट, वो फैट्स बना लेता है, ऑयल से फैट्स बन जाता है। ये किस चीज का एग्जाम्पल है? अच्छा, सो टू हेल्प यू पीपल रिकॉल दिस रिएक्शन, मैं रिएक्शन लिखती हूँ, आप मुझे बताइएगा, ओके? आप मुझे बताइएगा कि क्या हुआ, क्या हुआ, कैसे हुआ, क्यों हुआ। मान के चलिए मैंने क्या लिया, ऑयल। ऑयल क्या होते हैं मेरे, जिनमें अनसेचुरेटेड फैट्स होता है। सो मैंने एक लंबी सी चेन बना दी, यहाँ पे ज्यादा लंबी नहीं बना रही मैं, छोटी सी 4 कार्बन की चेन बना दी। इसके ऊपर मैंने डाला बेटा H2। अब आप सोच रहे होंगे ना, ये कहाँ से आया, ऑयल जो होते हैं ना हमारे, जो वेजिटेबल ऑयल होते हैं, उनमें अनसेचुरेटेड कार्बन ही प्रेजेंट रहता है, तो मैंने इधर डबल बॉन्ड बना दिया ना, मतलब ये मैं अनसेचुरेटेड कार्बन शो कर रही हूँ। अब मैं डालूंगी इधर प्लैटिनम, पैलेडियम, निकल, कुछ भी डाल सकती हूँ मैं, मुझे क्या मिल जाएगा, मेरा एक सैचुरेटेड कंपाउंड, जिसे फिर मैं कहूंगी फैट्स, सैचुरेटेड फैट्स। इस एंटायर प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, देखो मैं हाइड्रोजन ऐड कर आ रही हूँ कैटलिस्ट की प्रेजेंस में, सो दिस इज नोन एज हाइड्रोजिनेशन। दिस एंटायर प्रोसेस इज नोन एज हाइड्रोजिनेशन। अब जाते हैं वापस से, देखते हैं हमारा क्वेश्चन क्या कहता है, दिस इज नोन एज हाइड्रोजिनेशन, और हाइड्रोजिनेशन किस चीज का एग्जाम्पल है। अब डायरेक्ट रिएक्शन तो मुझे याद है, पर ये किस चीज का रिएक्शन है, एडिशन का एग्जाम्पल है, सब्स्टिट्यूशन का, डिस्प्लेसमेंट का, ऑक्सीडेशन का। सब्स्टिट्यूशन का तो ये हो ही नहीं सकता है, क्योंकि वेजिटेबल ऑयल में होती है अनसैचुरेटेड कार्बन, अनसैचुरेटेड कार्बन कभी भी सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन नहीं शो करेंगे, वो एल्केन्स ही शो करते हैं, सैचुरेटेड ही शो करते हैं, ठीक है। तो ये एडिशन रिएक्शन का एग्जाम्पल होगा, सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, ओके। इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स OH है फंक्शनल ग्रुप, OH स्टैंड्स फॉर ओल, एल्कोहल, तो जिसके भी लास्ट में OL आ रहा है उसी का फंक्शनल ग्रुप OH हो गया, जिसके एंड में ONE आ रहा है वो कीटोन है, जिसके एंड में OIC आ रहा है वो कार्बोक्सिलिक एसिड है, जिसके में AL आ रहा है वो ब्यूटेनल है, ठीक है। सोप वाला पार्ट हमने अभी पढ़ा नहीं है, तो उसको अभी हम नहीं करेंगे। अभी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये आप लोगों के बोर्ड्स में भी पूछा गया था, कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट रिप्रेजेंटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ नाइट्रोजन। तो इसके लिए हमें अब एक बार इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ड्रॉ करके देखना पड़ेगा, वील हैव टू ड्रॉ इट, सो लेट्स ड्रॉ इट।
यार मैंने वो क्लास लगाई भी थी आप लोगों की। वी आर डिस्कसिंग दिस क्वेश्चन, ठीक है, 10th वाला। कहीं मैं सिर्फ ऐसे ही बोलती जा रही हूँ, एक्साइटमेंट में पढ़ाती जा रही हूँ, आपको पता ही नहीं है कि मैम क्या ही पढ़ा रही है। अरे वाह, विद इन 15 मिनट्स वी डिड आर 10 क्वेश्चन। सी कितना अच्छा होता है जब टीचर के साथ बैठकर काम हो जाता है, साथ साथ इसलिए क्वेश्चन सॉल्व करेंगे हम काफी सारे। अब मुझे बेटा N2 बनाना है, उसके लिए मैं पहले नाइट्रोजन लूंगी। नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर होता है 7, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन 2.5, लोएस्ट और स्ट्रक्चर N, 1, 2, 3, 4 और 5 होगा। अब इस नाइट्रोजन और इस नाइट्रोजन के बीच में बेटा ट्रिपल बॉन्ड बनेगा, क्योंकि इस नाइट्रोजन को 3 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए अपना ऑक्टेट पूरा करने के लिए। तो अब देखो कि ट्रिपल बॉन्ड का बनना कहाँ पर दिखाया जा रहा है, कौन सा डायग्राम शो कर रहा है कि ट्रिपल बॉन्ड बन रहा है। जल्दी से देखते हैं हम कौन सा डायग्राम शो कर रहा है। इसमें सिर्फ एक बीच में शेयर करा रखा है, इसमें सिर्फ दो शेयर करा रखा है, इसमें सिर्फ तीन ही ऐसे दिखा रहे हैं कि बॉन्ड कहाँ बनता दिख रहा है। डी वाले में प्रॉपर बॉन्ड्स दिख रहे हैं मुझे, 1, 2, 3, डी वाले में मुझे प्रॉपर बॉन्ड्स बनते हुए दिख रहे हैं। तो मैं कह दूंगी कि डी इज दी करेक्ट रिप्रेजेंटेशन, दी करेक्ट इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर रिप्रेजेंटेशन ऑफ नाइट्रोजन। ठीक है, 11 से लेके 25 तक वी विल बी डूइंग इट इन आर नेक्स्ट क्लास, ठीक है, बिकॉज आज एकदम से दिस वॉज अ रिकॉर्डेड वन, सो आई डोंट वॉन्ट कि एकदम से बहुत ज़्यादा लोड आ जाए आपके ऊपर। अभी हमारी बहुत सी क्लासेस आपकी इसी प्रीमियर फॉर्म में ही आएंगी, बट डू नॉट वरी दैट द रीजन फॉर इट इज, जैसे देखो अगर अभी ये लाइव होती वी वुड नॉट हैव सॉल्व 10 क्वेश्चन इतनी जल्दी, मैं बात करती रहती आपसे। सो ऐसा नहीं कि लाइव नहीं होगी आपकी क्लासेस, लाइव भी होंगी, बट जो क्वेश्चन सॉल्विंग वाली मेजोरिटी क्लासेस है वो भी कुछ टाइम के लिए आपकी रिकॉर्डेड होगी, एंड देन फ्रॉम दिसंबर ऑनवर्ड्स वी विल बी हैविंग ईच एंड एवरी क्लास लाइव। सो डोंट वरी, ओके, वी आर वरीड अबाउट यू, वी केयर अबाउट यू पीपल, सो चिल रहो और बस अच्छे से पढ़ाई करो, ठीक है। चलिए, अगर आपको सेशन अच्छा लगा तो कृपया करके लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, एंड डू लेट मी नो इन दी कमेंट सेक्शन अगर आपको किसी भी तरीके का कोई भी प्रॉब्लम है। तो मैं पूरी पूरी कोशिश करूंगी कि आपके जितने भी डाउट्स हैं सारे के सारे डाउट्स आपके क्लियर हो जाएं, एंड यस प्लीज डू लेट मी नो गाइस, कोई भी दिक्कत आ रही है, कोई भी प्रॉब्लम आ रही है, कहीं पर कुछ समझ में नहीं आ रहा है आपको, सो आई एम हेयर, ठीक है। नोट डाउन करना है कुछ तो नोट डाउन कर लीजिए, 1 मिनट का समय है आपके पास। कुछ भी चीज आपको एज अ क्वेश्चन मार्क बना के लिखनी है अपने, उसमें आप वो क्वेश्चन मार्क बना के भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत दिक्कत वाली बात नहीं है, ओके। चलिए, आई डोंट थिंक मेरे स्टूडेंट्स को कोई भी एज सच प्रॉब्लम होगी, सारा सब क्लियर कर ही दिया होगा स्वाति मैम ने। तो फिर मिलते हैं आप लोगों से आप लोगों की अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय ऑल ऑफ यू, एंड थैंक यू फॉर अटेंडिंग आज की क्लास। आप सभी की जो अटेंडेंस है दैट मीन्स अ लॉट फॉर ऑल ऑफ अस, अ लॉट मोर देन आई कैन इवन टेल यू, ठीक है। सो थैंक यू फॉर सपोर्टिंग अस, ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए, ऐसे ही हम बढ़िया बढ़िया क्लासेस आप लोगों के लिए लेकर आते रहेंगे, एंड तब तक के लिए बाय बाय।